पूरा कॉन्सेंट्रेट। चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज का नंबर 6। इफ द सोलेनोइड इन एक्सेस 5.5 मतलब जो हमने 5th नंबर किया था लास्ट टाइम, इज फ्री टू टर्न अबाउट द वर्टिकल डायरेक्शन एंड यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला। फिर बाहर से हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड दिया है कितना 0.25 टेस्ला, उसको घुमा रहे हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, टॉर्क फाइंड करना है। व्हेन इट एक्सिस मेक्स एन एंगल 30, थीटा कितना है 30। तो याद रखना 5.5 में जो डायपोल मोमेंट हमको एम मिली थी वो 0.6 थी। यहाँ पे टॉर्क की फॉर्मूला लगाएंगे, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। टाउ फाइंड करना है, एम की वैल्यू 0.6 है, बी कितना है 0.25 और साइन 30, साइन 30 होता है 1/2, तो 0.6 इंटू मल्टीप्लाई बाय 0.25 जो भी आंसर डिवाइड बाय 2, क्योंकि साइन 30 1/2 है ना, तो टॉर्क मिलेगा 0.075 न्यूटन मीटर या फिर जूल। ये बन गया टॉर्क। अब हम करेंगे नंबर 7। ध्यान 7 पे। अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.5, मैग्नेटिक मोमेंट यानी एम दिया है 1.5 जूल पर टेस्ला, लाइज अलाइंग विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हुआ है, मतलब थीटा इक्वल टू 0 पे प्लेस किया हुआ है। ए पूछा क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू टर्न द मैग्नेट सो एज इट इज अलाइंग इट्स मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन। बोला हमें वर्क फाइंड करना है अगर हम डायपोल को घुमा रहे हैं, कितना घुमा रहे हैं, वो ऑलरेडी जीरो पे है, मतलब एंगल कितने पे है, जीरो पे है, तो पहले उसको नॉर्मल टू द फील्ड ले जाएंगे। नॉर्मल टू द फील्ड का मतलब होता है थीटा 90, मतलब पहले वाले सिचुएशन में तुम्हें जीरो से उसको घूमने ले जाना है 90 तक। और फिर दूसरी बार उन्होंने बोला है सेकेंड वाले क्वेश्चन में ऑपोजिट ऑफ द फील्ड, फील्ड के ऑपोजिट ले जाना है। ऑपोजिट मतलब जब थीटा जीरो पे था उसको घुमा के ले जाना है 180 डिग्री, मतलब इनिशियल एंगल जीरो पे था तो पहले जीरो से 90 और दूसरी बार जीरो से 180। बोला दोनों में वर्क डन क्या होगा, सिंपल बात है, वर्क डन की फॉर्मूला हमने पढ़ी हुई है, एम बी ब्रैकेट में कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। फिर इसमें वैल्यू डालेंगे एम 1.5, बी 0.22, कॉस 0 माइनस कॉस 90, कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.22 इट बिकम 0.33, cos 0 1 cos 90 0, तो ये हो जाएगा 0.33 जूल। इसमें भी सेम वर्क डन फाइंड करेंगे, फॉर्मूला यही रहेगी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। इसमें m एज इट इज वही है 1.5, b एज इट इज वही है 0.22, cos 0 माइनस cos 180, तो ये बन जाएगा 0.33। कॉस जीरो क्या होता है 1, कॉस 180 होता है माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.33 इंटू 2, इट बिकम्स 0.66 जूल। ये तो हुआ ए वाला क्वेश्चन के दो पार्ट वर्क डन का। अच्छा बी में भी कुछ पूछा हुआ है, व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मार्केट इन केस 1 एंड 2। तो 1 मतलब जब वो 90 डिग्री पहुंचा और 2 मतलब जब वो ऑपोजिट हो गया, तो टॉर्क कितना लगेगा। तो टॉर्क, तो पहले टॉर्क में थीटा लेंगे 90, तो टाउ इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगेगा, एम बी साइन थीटा, एम 1.5, बी 0.22, साइन 90, साइन 90 होता है 1, तो ये बन जाएगा 0.33 जूल।
और दूसरी बात थीटा में 180 कर देना है, उस वक्त टॉर्क फाइंड करना है। तो टॉर्क की फॉर्मूला फिर से एम बी साइन थीटा लगाएंगे, इसमें एम 1.5, बी 0.22, साइन 180, तो याद रखना साइन 180 जीरो होता है, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा जीरो, और टॉर्क लगेगा नहीं। क्लियर? नंबर 8, एट पे कॉन्सेंट्रेट। अ क्लोजली वाउंड सोलेनोइड ऑफ 2000 टर्न्स, टर्न्स दिए 2000, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁴ m², कैरिंग करंट ऑफ 4 एम्पियर, आई दिया है कितना 4 एम्पियर, इज सस्पेंडेड थ्रू इट सेंटर अलाउइंग इट टू टर्न इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। टर्न्स दिए हुए, एरिया दिया हुआ है, करंट भी दिया हुआ है, उसको हमने सस्पेंड लटका के रखा है, इजीली वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम सके। पहले पूछा व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सोलेनोइड, तो मैग्नेटिक मोमेंट की तो हमने सोलेनोइड की फॉर्मूला पढ़ी हुई है, एम इज इक्वल टू एन आई ए, एन अपने पास है 2000, आई है 4, एरिया है 1.6 × 10⁻⁴, तो मल्टीप्लाई करें 2 × 4 × 1.6, तो ये हो जाएगा 12.8 × 10⁻¹, क्योंकि ये माइनस फोर है, ये 3 जीरो है, इसको लिखेंगे 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर। उसके बाद दूसरा क्या पूछा है बी में, व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सोलेनोइड इफ द यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी, बी दिया हुआ है 7.5 × 10⁻²⁺ टेस्ला, एंगल दिया है 30। बोला अगर मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं 30 डिग्री, तो उस पर फोर्स क्या लगेगा, टॉर्क क्या लगेगा, तो याद रखना द रिजल्टेंट फोर्स ऑन सोलेनोइड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो। कोई भी मैग्नेट को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स हमेशा जीरो होता है, क्योंकि वहां पे दो फोर्स लगेंगे और दोनों इक्वल और ऑपोजिट लगेंगे, क्योंकि मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, साउथ और नॉर्थ। तो जो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ पे जितना फोर्स लगाएगा नॉर्थ पे भी उतना लगाएगा, लेकिन दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट, जिसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। अच्छा, फिर टॉर्क, तो टॉर्क जीरो नहीं होता, टॉर्क की फॉर्मूला क्या होती है, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, इसमें एम 1.28, बी 7.5 × 10⁻²⁺ और साइन 30। तो इसकी अगर वैल्यू निकाले 1.28 मल्टीप्लाई बाय 7.5 और साइन 31/2 तो डिवाइड बाय 2 भी कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 4.8 × 10⁻²⁺ न्यूटन मीटर, ये बन गया तुम्हारा टॉर्क। याद रखना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डायपोल पे फोर्स जीरो, सेम चैप्टर 1 में भी था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पे फोर्स जीरो, खाली टॉर्क लगता है।